सड़क सुरक्षा अभियान संपन्न हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि चालक मनमाने तरीके से सड़क पर गाड़ियां दौड़ाएं और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाएं। इस प्रकार के मामले सामने आने पर पुलिस न केवल कार्रवाई कर रही है बल्कि वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की तरफ भी आगे बढ़ रही है। पुलिस ने इस अभियान को लगातार चलाने पर जोर दिया है। दुपहिया से लेकर चार पहिया सहित अन्य भारी वाहनों की कीमत और उपयोगिता अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन सभी मामलों में समानता इस बात की है कि इनके चालकों को हर हाल में यातायात नियमों का पालन करना ही है। अपेक्षा की जाती है कि गाड़ियां चलाने के दौरान चालक सामान्य स्थिति में रहें और अति उत्साह का प्रदर्शन करने से भी बचें। उनकी लापरवाही के कारण न केवल हादसे होते हैं बल्कि राहगीरों की जान पर संकट खड़ा हो जाता है। औसत से ज्यादा गति और शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में पुलिस ने कोरबा जिले में कार्रवाई करना जारी रखा है। एडिशनल एसपी UBS चौहान ने बताया कि इस तरह के 188 मामलों पर संज्ञान लिया गया है और संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास फाइल भेजी गई है। आदर्श आचार संहिता आम चुनाव के लिए प्रभावशील है। चुनाव के मद्देनजर और ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और ऐसे जिनको दोषी पाया गया है उनके लाइसेंस सस्पेंशन के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को लिखे गए हैं। अभी तक 188 के आसपास जो है ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए भेजे गए हैं। कोरबा जिले में वाहन चालकों को समझना होगा कि पुलिस का यह अभियान कुछ दिनों का नहीं है बल्कि इसे लगातार आगे भी चलाया जाना है। यह अभियान लगातार चलने वाला अभियान है, कोई स्पेशल ड्राइव नहीं था एक दिन दो दिन का, लगातार इस पर कार्रवाई जारी रहेगी। याद रहे शराब के नशे में वाहन चलाने के मामले में पुलिस के द्वारा धारा 185 के अंतर्गत प्रकरण कायम करने के साथ उन्हें विचारण के लिए कोर्ट भेजने की कार्रवाई की जाती है। ऐसे प्रकरणों में न्यूनतम 10,000 और इससे अधिक की पेनल्टी भी की जा रही है। इन सब कारणों से भी शराब पीकर वाहन चलाने के बारे में चालकों को बचना चाहिए। कोरबा से रामेश्वर साहू की रिपोर्ट।